तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का चैप्टर चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक चैप्टर है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर में से स्टूडेंट्स लगभग दो से तीन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टू फ्रॉम एनिमल टिश्यू पार्ट एंड वन टू टू क्वेश्चन फ्रॉम कॉक्रोच पार्ट और साथ ही साथ बच्चों कुछ लिंक्ड क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से भी आते हैं जो कि इस चैप्टर से लिंक्ड होते हैं अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो तभी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 टू 16 मार्क्स का ये चैप्टर है सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए बढ़ते हैं आगे एज यू ऑल नो मी स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर कुशिका शिका धनेजा

तो स्टूडेंट्स आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पार्ट वन डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट इन एनिमल्स पार्ट टू डिस्कस किया जाएगा सो so स्टूडेंट्स जो भी हम पी में एक्स्ट्रा आपके लिए लिखेंगे जैसे इस चैप्टर में मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐड करा है चिंता मत करना वो एक्स्ट्रा जरूरी है एन को समझने के लिए तो वो सब एक्स्ट्रा चीज जो भी हम आपके लिए ऐड करते हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई जाएगी साथ ही साथ स्टूडेंट्स जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई जाएगी सो स्टूडेंट्स हाउ इज द जोश चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमारे हम सब की चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो हम सब की बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल द लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन बनता है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड फाइनली द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म सो स्टूडेंट ये जो ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है इस टिश्यू को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप बच्चों सब जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम सेल के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वन अगर एक सेल होता है तो यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड अदर इज मल्टी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक सेल का होना एंड मल्टी ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल होना यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में चूंकि एक सेल पाया जाता है तो बेचारे एक सेल को ही सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं चाहे रिप्रोडक्शन हो चाहे डाइजेशन हो चाहे रेस्पिरेशन हो और जो मल्टी सेलर होते हैं उनमें टिश्यूज पाए जाते हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं तो देयर इज अ बेटर डिवीजन ऑफ लेबर लेबर इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन का काम करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करेगा एंड सो ऑन सो स्टूडेंट्स मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बस इतना समझाया है कि सिंगल सेल यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है जो मैंने आपको समझाया जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे हम ह्यूमंस में मल्टी सेल्युलर कंडीशन पाई जाती है जिसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो इन केस ऑफ मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म डिविजन ऑफ लेबर इज सीन नेक्स्ट स्टूडेंट हम आए तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि टिश्यू की डेफिनेशन समझाती है जैसे कि मैंने आपको बोला था अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू तो ये सेल्स का ग्रुप है जो कि टिश्यू बनाएगा तो एनसीआरटी की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल विथ इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मतलब सेल के बीच में मैट्रिक्स जो पाया जाता है सो दिस विल फॉर्म टिश्यू जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ें अगर तो इन मल्टी सेलोर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटर सेलुलर सब्सटेंस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के साथ दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा जिससे टिश्यू बन जाता है विच इज हैविंग अ कॉमन ओरिजिन आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि उनका ओरिजिन भी सेम होता है ओरिजिन मतलब जैसे आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में तीन जोम लेयर से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है क्टोडम मीजोडम और एंडोडम तो वो कॉमन ओरिजिन का होगा इधर एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड और मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड तो ओरिजिन भी कॉमन होता है एक चीज आप इसमें और एड कर सकते हैं तो so, टिश्यू की डेफिनेशन क्या बन जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट है सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक जैसे सेल सामान्य सेल इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ जो कि कॉमन फंक्शन करेंगे जिनका कॉमन ओरिजिन है उसे हम टिश्यू कहते हैं तो होप आपको टिश्यू की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स फिर इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है मेनली ये बताया गया है कि टिश्यू को हम फंक्शन के आधार पर ओरिजिन के आधार पर चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो चार कैटेगरीज क्या है स्टूडेंट्स तो वो चार कैटेगरी है हमारी एपिथेलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू जो अभी हम आगे देखेंगे इस पैराग्राफ को थोड़ा बहुत मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाता है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है मैंने आपको बताया था पहले सेल्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन ठीक है और ऐसा हमें मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म कॉम्पलेक्स एनिमल्स लाइक मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है यहाँ पे हमें डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है मतलब पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम के अलग अलग काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन का काम तो नहीं करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेशन का काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीशन का काम है तो सबका काम बांट दिया गया है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ प्लान इज सी। सो स्टूडेंट्स सो होप आपको समझ आ रहा होगा एंड हेलो टू ऑल एनिमल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स उसे हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एपीथीलियल कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस अब ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो चार टिश्यू हैं ठीक है एपीथीलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एपीथीलियल टिश्यू देखो एपीथीलियल वर्ड ही बता रहा है कि अपॉन एपी मीनस अपॉन एपिथेलियल मींस टू ग्रो मतलब ऐसी टिश्यू जो अन्य अलग-अलग प्रकार के टिश्यू के ऊपर पाई जाएगी जिसका कार्य होगा प्रोटेक्शन का तो कवरिंग जो बनाती है हमारी बॉडी की वो होती है एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात है कि ये तीनों डर्म से ओरिजिनेट होती है दैट इज एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों डर्म से ये टिश्यू ओरिजिनेट होती है एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ऑल द्री जोर फॉर्म्सियलियल का फंक्शन क्या होगा जैसे कि देखो आपकी जो स्किन है वो एपिथिलियल टिश्यू की बनी है आप अगर मुंह खोलेंगे तो आपको पिंक कलर की जो लाइनिंग दिखती है वो भी एपिथिलियल टिश्यू की है मतलब हर जगह कवरिंग का, का काम एपिथिलियल टिश्यू करती है मतलब इसका मेन काम क्या होगा प्रोटेक्शन करना क्योंकि अंदर बाकी की टिश्यू मौजूद है चाहे कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे नर्वस टिश्यू हो चाहे मस्कुलर टिश्यू हो सबसे आगे तो एपिथीलियल टिश्यू ही पाई जा रही है तो मेन कार्य इसका प्रोटेक्शन का होगा नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम कनेक्टिव टिश्यू पे सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू शब्द बता रहा है कि ये दो टिश्यू के बीच में कनेक्शन का, का काम करेगा सो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है टू अधार और सीमेंट द अदर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन है मीजोडर्म कनेक्टिव टिश्यू इज मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड और ये एडजेसेंट टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करता है नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम नर्वस मस्कुलर टिश्यू पे मस्कुलर टिश्यू मसल्स क्या करती हैं मसल्स हमारी बोन को कवर करके मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाती हैं हम हमारी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना करें तो हम चल नहीं सकते हम हाथों का मूवमेंट नहीं कर सकते सो वी कान डू मूवमेंट एंड लोकोमोशन इफ मास्क्यूलर मसल डोंट शो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब मास्क्यूलर टिश्यू का मेन कार्य है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में तो मेन फंक्शन क्या है मूवमेंट एंड लोकोमोशन किसका मास्क्यूलर टिश्यू का इसका ओरिजिन भी मीजोडर्म है जैसे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन था ठीक है तो ओरिजिन एंड फंक्शन आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम नर्वस टिश्यू पे विच इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू नर्वस टिश्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारी बॉडी को नर्व्स के माध्यम से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है नर्वस टिश्यू में ब्रेन आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है नर्व्स आती हैं जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका फंक्शन है और इसका ओरिजिन एक्टोडोम ठीक है बच्चों तो होप आपको चारों टाइप के टिश्यू अच्छे से समझ आई आ गई होगी एक बार और मैं रिपीट करती हूं एपिथीलियल टिश्यू जो कि तीनों डोम से ओरिजिनेटेड है इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है सेकेंड मैंने आपको बताई मस्क्यूलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताई थी कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन कनेक्ट करता है आधार करता है दो अलग अलग टिश्यू को इसका ओरिजिन होता है फिर बच्चों मैंने आपको टिश्यू का भी मीजोडोम ओरिजिनेशन है और इसका फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करना और फोर्थ टाइप के टिश्यू मैंने आपको बताई नर्वस टिश्यू जिसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना और ओरिजिन है एक्टोडर्म तो बच्चों ये फोर टाइप के टिश्यू हम एक एक करके कवर करेंगे एपिथिलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू बड़ी है उसको पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगेगा बाकी मस्क्युलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आप ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट में कवर कर चुके हैं तो वो फटाफट हो जाएगी सो so स्टूडेंट्स ये फर्दर क्लासिफिकेशन है एपीथिलियल कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू का एपिथील टिश्यू हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन मैं तब आपके साथ डिस्कस करूंगी लेकिन ये रिवीजन के लिए आप इसे भी रख सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन जब पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप ये रिवीजन के लिए इस चार्ट को भी रख सकते हैं लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँगी तो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे सो स्टूडेंट्स चलिए आते हैं थ्योरी पार्ट पे सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे एपीथीलियल टिश्यू अकॉर्डिंग टू एन फर्स्ट टिश्यू जो है वो एपीथीलियल टिश्यू है जिसे हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में और जैसे कि हमारा हमेशा से लास्ट पार्ट से जो फ्लो रहा है कि जो भी पी पूछे गए हैं वो मैं आपको एन में ही मार्क करवाती जाती हूँ तो आज भी बच्चों हमारा वही फ्लो रहेगा सो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको बताती हूँ किस किस पे पी आए हैं एपिथीलियल टिश्यू सबसे पहले बच्चों एपी का मतलब होता है अपॉन एपी मींस अपॉन मतलब इट कवर्स अदर टिश्यू कवरिंग बनाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका प्रोटेक्शन जैसा कि हमने देखा और ओरिजिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं एपिथीलियल टिश्यू का दैट इज एक्टो प्लस मीजो प्लस एंडो तीनों डॉम से ओरिजिनेटेड होता है एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम फिर बच्चों एपिथिलियल टिश्यू जो है वो कहां पाई जाती है हमारी स्किन पे तो स्किन में अगर आपको कभी लग जाती है तो फटाफट आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है मतलब एपिथीलियल टिश्यू शोज मैक्सिमम रीजनरेशन पावर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इट shows मैक्सिमम regeneration power मैक्सिमम regeneration power ठीक है मतलब ये फटाफट रिपेयर हो जाती है तभी आप गिरते पड़ते रहते हैं और आपकी स्किन हील हो जाती है बिकॉज इट इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फिर बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू जो होती है स्टूडेंट्स वो उसके सेल्स जो होते सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन रेस्ट ऑन बेसमेंट मैम्ब्रेन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं तो बच्चों ये बेसमेंट मैम्ब्रेन है जैसा कि आप देख सकते हैं ये एपिथीलियल टिश्यू है हमारी तो बेसमेंट मैम दो लेयर की बनी होती है बेसल लेमाइना एंड रेटिकुलर लेमाइना रेटिकुलर लेमाइना कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और एपिथीलियल टिश्यू जो है वो बेसल लेमाइना बनाता है और इन दोनों लेयर से बेसमेंट मैमब्रेन बनती है तो ये बच्चों सिर्फ एपीथीलियल टिश्यू का ही फीचर है और कोई टिश्यू का ये फीचर नहीं है कि इनके सेल बेसमेंट मैम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं ना ही मस्कुलर टिश्यू में ऐसा होता है ना ही कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा होता है तो एपिथिल टिश्यू इज द ओनली टिश्यू जिसमें सेल्स बेसमेंट मैम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और बच्चों देखिए आप एपिथीलियल टिश्यू जो है वो खुद तो एवेस्कुलर है मतलब उसका खुद का कोई ब्लड नहीं है सप्लाई लेकिन उसके नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से वो ब्लड सप्लाई ले लेता है सो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि आपको पता है बच्चों ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन लेकर आता है ऑक्सीजन लेकर आता है तो एपिथीनियल सेल को भी तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए जो कि नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से उसे मिलती है तो एपीथीनियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच का हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डीमार्केशन है या उनके बीच का जो बंटवारा है वो बेसमेंट मैमब्रेन के जरिए होता है और बेसवन मैम्रेन के ऊपर एपीथीलियल टिश्यू के सेल रेस्ट करते हैं ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मैं कह रही हूं कि एपिथिलियल टिश्यू का मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि कौन सी टिश्यू का मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है सबसे कम रीजनरेशन पावर कौन सी टिश्यू का होता है मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू एपिथिलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू कोई बच्चा बता सकता है नर्वस टिश्यू का बच्चों मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है अगर एपिथीलियल टिश्यू का मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है तो मिनिमम रीजनरेशन पावर नर्वस टिश्यू का होता है अब बच्चों एपीथीलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं ये जो टिश्यू होती है इसका जो फ्री सरफेस होता है ये या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या इन्वायरमेंट बाहरी एन्वायरमेंट को फेस करता है मतलब ये कवरिंग बनाता है या लाइनिंग बनाता है हमारे बॉडी पार्ट्स का ठीक है तो एपिथीलियम टिश्यू जो है उसे एपिथिलियम या एपिथीलिया कहा जाता है तो एपिथिलियम और एपिथीलिया भी अगर कहा जाए तो एपिथिलियल टिश्यू के बारे में बात करी जा रही है फिर एनसीआर बोलती है कि एपिथिलियल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो कवरिंग बनाती है उसका जो फ्री सरफेस है वो या तो एनवायरमेंट को फेस करेगा मतलब स्किन के बारे में बात हो रही है या फिर हमारी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड को फेस करेगा मतलब जो आप मुंह खोलते हैं और इनर आपको पिंक कलर की लाइनिंग दिखती है आपके मुंह के अंदर वो लाइनिंग की बात करी जा रही है तो एनसीआरटी ने इसके फंक्शन को ही समझाया है डेफिनेशन में कि जो एपिथिलियल टिश्यू है वो या तो इन्वायरमेंट को फेस करेगा या हमारी बॉडी के इंटरनल लाइनिंग बनाएगा तो बॉडी की कैविटी को फेस करेगा या बॉडी इन्वायरमेंट को फेस करेगा मतलब हर जगह एपिथीलियल टिश्यू कवरिंग का काम कर रहा है और जो भी टिश्यू कवरिंग का काम करता है वो प्रोटेक्शन उसका फंक्शन होता है तो इसीलिए एपीथीलियल टिश्यू का फंक्शन प्रोटेक्शन है नेक्स्ट लाइन पे आते हैं स्टूडेंट्स टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एपिथीलियल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स उसके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है इसीलिए हमारी स्किन जो है वो टाइट होती नहीं तो लूज होती बहुत ज्यादा तो स्किन को आप ध्यान में रख के इसके फीचर्स आसानी से याद रख सकते कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सो स्टूडेंट्स अब हम एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू को स्टूडेंट्स हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अगर सेल की एक ही लेयर है तो उसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे और अगर सेल की बहुत सारी लेयर है या दो से ज्यादा लेयर है तो हम उसे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे सो so, हम एपिथेलियल टिश्यू को टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल लेयर तो अगर सिंगल सेल लेयर का बना है मतलब इट इज सिंपल एपीथीलियम और अगर वो दो या दो से ज्यादा लेयर का बना है तो उसे हम कंपाउंड एपिथीलियम कहेंगे सिंपल एपिथीलियम कैसा दिखेगा ऐसा क्योंकि उसमें एक ही लेयर है सेल की और कंपाउंड एपिथीलियम कैसा दिखेगा दो से ज्यादा लेयर है मतलब एक के ऊपर एक ठीक है तो ये सिंपल एपिथीलियम है मतलब एक ही लेयर है और ये कंपाउंड एपिथीलियम है मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर है, अब जो है वो बनाएगी, की, की, और बॉडी कैविटी की मतलब ये अंदर की तरफ पाई जाएगी जबकि कंपाउंड एपिथीलियम एनवायरनमेंट को फेस करेगी मतलब स्किन स्किन में पाई जाएगी सो इट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन और ये हमारी स्किन में पाई जाती है क्योंकि बहुत सारी लेयर है तो स्किन में पाई जाएगी जो कि इन्वायरमेंट का जितना भी लोड है वो फेस कर पाए और हमारी बॉडी कैविटी के अंदर सिंपल एपिथीलियम पाई जाएगी सिंपल एपिथीलियम स्टूडेंट्स फिर से स्ट्रक्चर के आधार पर मतलब वो कैसा शेप शो करती है उस आधार पर सिंपल एपिथीलियम को हम वापस से फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहला है सिंपल स्क्मस एपिथीलियम अगर फ्लैट 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 सेल है ठीक है फ्लैट सेल है मतलब कुछ इस प्रकार से पिचके हुए सेल है, तो हम उसे सिंपल स्क्वामस कहेंगे तो स्क्वामस का मतलब क्या होता है फ्लैट टाइल जैसे सेल्स अगर होते हैं तो उसे स्क्वैमस बोला जाता है तो सिंपल क्या स्क्वामस लगा दो अगर उसका शेप फ्लैट है टाइल्स जैसा है तो उसे हम सिंपल स्क्मस कहेंगे अगर क्यूबॉइड की तरह शेप है तो उसे सिंपल क्यूबॉइडल कहा जाएगा और ब, लंबे लंबे कॉलम जैसा शेप है तो उसे सिंपल कॉलमनर कहा जाएगा ठीक है तो ये तीन शेप तो अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर फ्लैट है तो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम अगर क्यूब की तरह शेप है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम और अगर लंबे लंबे कॉलम की तरह शेप है पिलर लाइक सेल बोला जाता है इन्हें तो उसे हम सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम कहेंगे और अगर अभी स्ट्रेटिफाइड क्या होता है स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स लेकिन यहाँ पर तो हमने एक ही लेयर की बात करी तो ये स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब हुआ सूडो का मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर फॉल्स लेयर मतलब हमें सेल्स की हाइट अलग अलग होने के कारण हमें ऐसा लगेगा कि दो लेयर हैं लेकिन होती एक ही लेयर है मतलब हम बेवकूफ बन जाते हैं ठीक है सो डिफरेंट हाइट सेल की होने के कारण वी एज्यूम दैट द लेयर आर टू और थ्री बट इट इज अ सिंगल लेयर दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम सूडो मीन फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर सो स्टूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे अलग अलग हाइट के सेल तो बच्चों मैंने आपको क्या क्लासिफिकेशन बताया मैं एक और बात रिवाइज करवाती हूँ एपीथीलियल टिश्यू को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम सिंपल मतलब एक लेयर सेल की एंड कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर सेल की सिंपल एपिथीलियम जो है वो हमारी बॉडी कैविटी डक्ट्स वगैरह में पाई जाएगी कंपाउंड एपिथीलियम स्किन में पाई जाएगी सिंपल एपिथीलियम जो है वो फर्दर शेप के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करेंगे अगर सिंपल एपिथीलियम के सेल फ्लैट टाइल्स की तरह हैं तो उसे हम सिंपल स्क्वामस कहेंगे अगर क्यूब की तरह हैं तो सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे अगर लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स हैं तो उसे हम सिंपल कॉलमनर कहेंगे और अगर अलग अलग हाइट पे कॉलमनर सेल्स हैं तो उसे हम सूडो स्टेडिफाइड कहेंगे ठीक है तो ये फोर टाइप की सिंपल एपिथीलियम सेल्स होते हैं या लेयर्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर तो होप स्टूडेंट्स आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बिकॉज अगर क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन रहेगा तो आपको आगे के एग्जांपल्स याद ही नहीं हो पाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन इसीलिए मैंने आपके लिए दो बार आपको रिपीट करके बताया है अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइप में अगर आपको समझने में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी आगे बढ़े किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स बढ़े आगे हम चलो बच्चों ियम जो क्लासिफिकेशन चार्ट मैंने आपको समझाया वही पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे स्टूडेंट की दो टाइप के एपीथिलियल टिश्यू पाए जाते हैं यही बात मैंने आपको बताई कि सिंगल लेयर अगर होती है तो उसे हम सिंपल एपीथिलियम कहते हैं एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्स एंड ट्यूब तो एग्जैक्ट मैंने बस उसे कॉलम फॉर्म में आपको याद कराने के लिए उसे मैंने कॉलम फॉर्म में लिखा था बाकी सेम एनसीआरटी की लाइन एज इट इज़ मैंने आपके लिए लिखी थी ठीक है बट पैराग्राफ फॉर्म में आपको दिक्कत होती है याद करने में इसीलिए मैंने उसे टैबुलर फॉर्म में कर दिया था सो सिंपल एपिथीलियम जो होते हैं उसमें एक ही लेयर सेल की पाई जाती है और वो बॉडी लाइनिंग को कवर करती है या डक्ट्स को या ट्यूब्स को कंपाउंड एपीथीलियम जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर पाई जाती है और उसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है जैसे हमारी स्किन अब स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हम सिंपल एपीथीलियम को एन में तीन दिया है लेकिन मैंने आपको चार बताई है फर्स्ट इज स्क्वस एपीथीलियम सेकेंड इज क्यूबॉइडल थर्ड इज कॉलमनर एंड फोर्थ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है दैट इज सूडोस्ट्रेटिफाइड देखो ये भी एक्स्ट्रा नहीं है ये भी आपको काम तो आएगी जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां सूडो स्टेटिफाइड टर्म यूज़ किया है तो आप तब कंफ्यूज हो गए इससे बेटर है कि कहीं ना कहीं तो एनसीआरटी में गिवन ही है तो अभी से ही प्रॉपर क्लासिफिकेशन चार्ट लेके चले आप सो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के आधार पर जैसे कि मैंने बात करी है तो अगर फ्लैट टाइल लाइक सेल्स होते हैं तो फ्लैट सेल के लिए हम स्क्मस वर्ड यूज करते हैं सो दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम फिर अगर क्यूब की तरह सेल होते तो इसे हम बोलते सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम और अगर कॉलम की तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं तो ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये येलो कलर की लेयर की बात करी जा रही है अगर ये सिंगल है तो सिंपल है और फ्लैटेंड है तो सिंपल स्क्वैमस है क्यूब शेप है तो सिंपल क्यूबॉइडल है पिलर लाइक सेल्स है तो सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम है अब इसी कॉलमनर एपिथीलियम को यहां पे बड़ा करके बताया है कि कुछ इस प्रकार के कॉलमनर सेल्स दिखते हैं विद अ न्यूक्लियस एडिट्स बेस और ये सीलिएटेड भी बताया है मतलब मॉडिफिकेशन पार्ट बताया है इसका कि सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं अब बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वेमस एपिथीलियम को सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम का बच्चों हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे सो सिंपल स्क्मस एपिथीलियम के डिस्क्रिप्शन पे आते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि हम सिंपल एपिथीलियम पढ़ रहे हैं सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ठीक है so layer, तो हमने यही ये, ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए कर रखा है सो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को स्टूडेंट्स पेवमेंट एपिथीलियम भी कहा जाता है एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेवमेंट एपिथीलियम पे तो टाइल्स लाइक शेप के लिए पेवमेंट एपिथीलियम भी वर्ड यूज किया जाता है टीजिलेटेड एपिथिलियम वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है ये टाइल्स की तरह दिखता है इसीलिए पेवमेंट एपीथीलियम वर्ड भी यूज किया जाता है सिंपल स्क्स एपीथिलियम के लिए और इसके अंदर न्यूक्लियस रखने की जगह नहीं होती है तो न्यूक्लियस जो है वो ऐसा बीच में से उठ जाता है और ऐसा वेव लाइक अपियरेंस देता है इसके लिए टीजीलेटेड इस वर्ड का उपयोग भी किया जाता है ऐसा कर्व वेव लाइक फॉर्म देता है इसका न्यूक्लियस क्योंकि सेल में जगह कम है और न्यूक्लियस बड़ा है फ्लैट सेल्स है तो ये कर्व कर्व बना देता है जब न्यूक्लियस इसके अंदर बैठा होता है तो ऐसा कर्व लाइक अपीयरेंस बनाता है इस वेव लाइक -like या कर्व लाइक अपीयरेंस के लिए टीजिलेटेड वर्ड का यूज भी किया जाता है सो सिंपल स्क्स एपीथिलियम इज ऑल्सो कॉल टीजिलेटेड एपिथिलियम एंड पेवमेंट एपिथिलियम अब जो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है वो सिंगल थिन लेयर्ड का बना होता है इसके फ्लैट सेल्स होते हैं इरेग्यूलर बाउंड्रीज होती है स्टूडेंट सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, ये थिनेस्ट एपिथीलियम है सबसे पतला एपिथीलियम है अब आप खुद सोचो ऐसा एपिथीलियम जो सबसे पतला होगा उसका क्या फंक्शन होगा तो स्टूडेंट सिंपल एपिथीलियम सबसे है तो उसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन तो जहां भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम पाया जाता है देखो एग्जाम्पल्स रटना नहीं उसका फंक्शन समझ के अगर आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे

फिल्ट्रेशन मतलब छानने का काम कहां पे होता है नेफ्रॉन में तो ऐसी जगह पर यह एपिथीलियम आपको मिलेगा तो इजी है एग्जाम्पल से याद रखना अगर आपको एपिथीलियम का फंक्शन पता है तो तो यह एपिथीलियम सबसे पतला होता है इसलिए थिनेस्ट एपिथीलियम है थिनेस्ट एपिथीलियम है so फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन तो इसीलिए यह कहां पाया जाएगा एलविला ऑफ लंग्स में गिवन इन एनसीआरटी ब्लड वेसल की लाइनिंग में जिसे हम एंडोथिलियम कहते हैं नेफ्रॉन में क्योंकि छानने का काम होता है तो कैप्सूल में ठीक है और ये कुछ एक्स्ट्रा है तो मेन हैं एल्विलाई ऑफ लंग्स ब्लड वेसल की लाइनिंग विच इज कॉल्ड एंडोथिलियम एंड बोमेंस कैप्सूल दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वामस एपीथीलियम सो स्टूडेंट्स होप आप सिंपल स्क्स एपीथिलियम अच्छे से समझ गए होंगे अब की थ्योरी पढ़ते जो इसी टेबुलर इसी टेबुलर फॉर्म को समझाएगी लाइंस में ठीक है तो आते हैं अब एनसीआर की थ्योरी पे वापस से सिंपल एपिथीलियम जो है वो सिंगल थिन लेयर्ड ऑफ़ लेटेंड सेल की बनी है ठीक है विद इेगुलर बाउंड्रीज यही मैंने आपको बताया था इेगुलर बाउंड्रीज है सिंगल फ्लैटेंट सेल्स की लेयर है दे आर फाउंड अब इसके एग्जाम्पल्स याद रखना है मैंने आपको फंक्शंस भी बताए इसके इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन ऑफ ऑफ गैसेस एंड फिल्ट्रेशन इसका फंक्शन है इसीलिए ये हमें ब्लड वेसल की वॉल में मिलेगा जिसे हम एंडोथीलियम कहेंगे ये हमें एलवेलाय में मिलेगा या एयर सैक ऑफ लंग में मिलेगा और साथ ही साथ ये हमें वोमेंस कैप्सूल में भी मिलेगा जो हमें एक्सक्रीशन चैप्टर में दिया है ऑलरेडी तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैप्सूल में भी मिलेगा ये एक्स्ट्रा आप याद रख लेना एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि एक्सक्रीशन वाले पार्ट में तो दे ही रखा है वो भी एनसीईआरटी के अंदर ही तो ना एक्स्ट्रा नहीं है ये एग्जांपल भी तो आपको तीन एग्जांपल मेन याद रखने हैं सिंपल स्क्मस एपिथीलियम के दैट इज ब्लड वेसल की लाइनिंग दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम देन मैंने आपको कहा एलवेलाय ऑफ लंग इन दोनों जगह पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा और थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन ये बनाता है सो वोमेंस कैप्सूल में भी ये पाया जाता है सो so, ये तीन एग्जाम्पल मेन है सिंपल स्क्स एपिथीलियम के सिंपल एपिथीलियम सबसे पतला एपिथीलियम है इनरेगुलर बाउंड्रीज होती है सेल की और इसे पेवमेंट एपिथीलियम और टीजिलेटेड एपिथीलियम भी कहते हैं सो सिंपल स्क्मस एपिथीलियम पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए ठीक है ऑल क्लियर अबाउट सिंपल एपिथीलियम चलिए बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम पे दैट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम अगर क्यूब की तरह सेल होंगे तो उसे हम क्यूबॉइडल एपिथीलियम बोलेंगे सो so, अगर सेल्स सिंगल लेयर क्यूब की तरह दिखेंगे क्यूब लाइक सेल्स होंगे जिसका न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड है तो क्यूब की तरह सेल है और न्यूक्लियस सेंटर में सिचुएटेड है तो ऐसी एपिथीलियम को सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहा जाएगा अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम का काम क्या होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम का मेन फंक्शन है सीक्रेशन एंड एब्सॉर्बन तो ये glands में पाया जाएगा नेफ्रॉन में पाया जाएगा सो इट इज प्रेजेंट इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड एज यू कैन सी तो क्यूबॉइडल एपिथिलियम जो है स्टूडेंट्स उसमें आपको इतना ही याद रखना है कि क्यूब की तरह सेल होते हैं इसके इसका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन होता है इसीलिए ये ग्लैंड में और नेफ्रॉन में पाया जाता है क्योंकि नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन होगा और ग्लैंड में सीक्रीशन होगा तो अब आते हैं बच्चों क्यूबॉइडल एपिथिलियम की थ्योरी पे इन द आर द द क्यूबॉइडलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल ये जनरली डक्ट्स बनाते हैं बिकॉज़ इसका फंक्शन है सीक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन इज सीक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन तो स्टूडेंट्स होप आपको क्यूबॉइडल एपिथिलियम भी याद हो गया होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपीथिलियम मैं एक और बार रिवाइज करती हूँ इसके सेल क्यूब लाइक -like होते हैं इसका न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है इसका मेन फंक्शन सीक्रीशन और एब्सॉर्बेशन होता है ये हमें नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में मिलेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलेगा क्लियर है सिंपल स्क्वाम्स भी याद हो गया विद एग्जांपल, सिंपल क्यूबॉइडल भी याद हो गया विद एग्जांपल। अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वापस से मैं रिपीट कर दूंगी लेकिन यहीं पर यह चैप्टर याद करके जाना है इज देअर एनी प्रॉब्लम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं स्टूडेंट्स हम कॉलम नर पे अगर लंबे लंबे कॉलम की तरह सेल होते तो उन्हें हम कॉलमनर एपिथीलियम कहते हैं और इसमें दिया है पिलर लाइक -like शेप पिलर की तरह लंबे लंबे सेल होते हैं और इसका जो इलांगेटेड न्यूक्लियस होता है वो बेस में मौजूद होता है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर लंबे पिलर की तरह सेल है तो सेल्स ऊपर भी तो मिल सकते हैं और सेल्स बेस पे भी मिल सकते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलोनर एपिथीलियम में सेल बेस पे पाए जाते हैं कि टूवर्ड्स द एपेक्स पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉलमनर एपिथीलियम में सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द बेस बेस के टूवर्ड्स पाए जाते हैं सो इलांगेटेड सेल बेस में पाए जाते हैं इसकी लोकेशन डक्ट्स होती है इसका भी फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन है सो कॉलोनर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल टॉल सिलेंडर पिलर लाइक सेल इनका न्यूक्लियस बेस में सिचुएटेड है ये लाइन एनसीआर ने भी अलग से दी है कि न्यूक्लियस इनका कहां सिचुएटेड है इलांगेटेड न्यूक्लियस बेस में सिचुएटेड है ठीक है फ्री सर्फेस में हैव माइक्रोविलाई दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सीक्रीशन एंड तो ये इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में हमें मिलता है इनके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं तो बच्चों अगर हम मॉडिफिकेशन पे आए तो हमारे क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम जो होते हैं क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथीलियम कैन शो मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं उनके पास सीलिया हो सकता है दे कैन शो विलाइज एंड एंड दे कैन एक्ट एज ग्लैंडुलर मतलब वो ग्लैंड में पाए जाते हैं तो उन्हें ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी कहा जाता है तो अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम सीलिया शो करेंगे तो उन्हें हम सीलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम कह देंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम कह देंगे अगर विलाईस और माइक्रोविलाई मौजूद है तो इन्हें हम ब्रश बॉर्डर्ड कह देंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम और ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथीलियम मतलब क्यूबॉर्डल और कॉलमनर एपिथीलियम कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं इन मॉडिफिकेशन पे हम अलग से चर्चा करेंगे लेकिन एनसीआर में बीच में ही दे रखा है कि क्यूबॉर्डल एपिथीलियम के पास vilize, -vilize हो सकते हैं सिमिलरली कॉलमनर जब आया तब भी ये बीच में लाइन दे दी सो so, आप कंफ्यूज ना हो पर ठीक है अब हम एक्स्ट्रा जो हमने पढ़ा था दैट इज सुडो स्ट्रेटिफाइड वो भी एक बार डिस्कस कर लेते सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में सेल्स की हाइट अलग होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि देयर इज टू और थ्री लेयर बट होती एक लेयर है ठीक है इसीलिए इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है सूडो मीनस फॉल फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर फॉल्स लेयर मतलब हमें ऐसा लगता है पर होती एक ही लेयर है एपिथीलियम so, हमें रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में देखने को मिलता है जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम आया था ठीक है तो रेस्पिरेशन चैप्टर में दे रखा है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के बारे में सो इट इज नॉट आउट ऑफ कोर्स अब जो बच्चों में मॉडिफिकेशन की बात कर रही थी वो अलग से उसके एग्जांपल्स में आपको याद करा देती हूं मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथिलियम तीन टाइप के मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं अगर होते तो उसे ब्रश बॉर्डर्ड कहा जाता है सीलिया होते हैं तो उसे सीलिएटेड कहा जाता है तो मेनली आपको ये दो मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे तो स्टूडेंट्स जो अगर विलाईज और माइक्रोविलाइज होते हैं अगर विलायज और माइक्रोविलाय होते हैं तो एपिथीलियम कुछ इस प्रकार से दिखती है नॉर्मल एपिथीलियम ऐसी थी अब वो ऐसी हो चुकी है ब्रश बॉर्डर ठीक है इसीलिए इसके लिए ये ब्रश की तरह दिखता है आपका टूथब्रश का भी अगर आप फोटो बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा तो ये इसे हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर ब्रश की तरह अपीयरेंस दिखता है हमारे टूथब्रश की तरह अब ऐसा क्यों होता है तो बच्चों इसका एरिया ज्यादा है कि इनसे इस, इसका एरिया ज्यादा है जिसमें ब्रश जैसा अपीयरेंस हो चुका है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है जिससे एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाए जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत हमें दो जगह पड़ती है एक खाना खाने का एब्जॉर्प्शन करना होता है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और दूसरा हमें जब यूरिन एक्सक्रीशन चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमारे ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन सॉल्ट होते, होते हैं पानी होता है तो हमारी बॉडी से निकल ना जाए तो हमें नेफ्रॉन से उन्हें रीएब्जॉर्ब करवाना पड़ता है तो पीसीटी में प्रोक्सीमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में 70% परसेंट होता है क्योंकि वो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से लाइंड होता है तो अब आपको सब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स की ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथीलियम हमें दो जगह पे मेनली उसकी जरूरत है एब्जॉर्बन के लिए एक पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथीलियम पी आ चुका है और पीसीटी प्रोक्सीमल कॉन्विटेड नेफ्रॉन में पाया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉयडल एपिथीलियम तो ये भी आपको याद रखना है क्यूबॉइडल कहां पे कॉलमनर कहां पे तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉयडल एपिथीलियम आपको प्रोक्सीमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलेगा ऑफ नेफ्रॉन और ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथीलियम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा दोनों जगह एब्जॉर्प्शन की जरूरत थी इसीलिए ठीक है क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन कराना था और आप खुद समझ के देखिए कि इस सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है कि इस सेल का तो स्टूडेंट्स बी सेल का सरफेस एरिया ज्यादा है इसीलिए इन दो जगह पर ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम का होना जरूरी था सो so, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना कंपल्सरी है नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे अगर सीलिया मौजूद होता है वॉट इज सीलिया सीलिया इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है किस में हेल्प करता है मूवमेंट में ठीक है तो सीलिया अगर मौजूद होता है तो उसे सीलिएटेड एपिथीलियम हम कहते हैं तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम हमें फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है इसके ऊपर स्टूडेंट्स तीन बार पी वाई क्यू आ चुका है सो so, आपको याद होना चाहिए कि सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम आपको कहां देखने को मिलेगा और सीलिएटेड कॉलमनर दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं सो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम हमें फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम हमें ब्रोंकियोल में देखने को मिलेगा ठीक है तो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स पे दो से तीन बार पी वाई क्यू आ चुका है टू टू थ्री टाइम्स पी वाई क्यू हैज ऑलरेडी कम मतलब आप देखिए नीट एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दो से तीन बार वो अगर एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ट्विस्ट कर करके पूछ रहे हैं मतलब आगे भी पूछेंगे ठीक है तो आप एकदम याद रख लीजिए कि मॉडिफाइड पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्यों और कॉलमनर पे जो

सीलिया मूवमेंट के लिए होता है जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है तो सीलिया के कारण ओवा आगे के डायरेक्शन में मूव करता है स्पोन तो मोटाइल है लेकिन ओवा नॉन मोटाइल होता है तो फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथीलियम होना जरूरी आवश्यकता थी उसकी तो सीलिएटेड एपिथीलियम जो है स्टूडेंट्स फेलोपियन ट्यूब में मिलता है कौन सा सीलिएटेड एपिथीलियम कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम और ब्रोंकियल में हमें सीलिएटेड एपिथिलियम देखने को मिलता है और इन चारों मॉडिफिकेशन पे पीवा ऑलरेडी दो से तीन बार पूछे जा चुके हैं सो so ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आए इस पार्ट में से ठीक है क्योंकि लगातार इनपे क्वेश्चन आ रहा है ये पार्ट क्लियर है ठीक है सबको क्लियर है ये वाला पार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमर एपिथिलियम के एग्जाम्पल जिसपे दो से तीन बार वीवाई क्यू पूछा जा चुका है आगे बढ़े किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है चलो अब एनसीआरटी की थ्योरी पे आते हैं इफ द कॉलमर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया अगर सीलिया मौजूद होते हैं तो उसे हम सीलिएटेड एपीथीलियम कहते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनका फंक्शन होता है टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपीथीलियम ये मेनली इनर सर्फेज ऑफ हॉलो ऑर्गन से पाए जाते हैं दैट इज ब्रॉन्क्योल्स एंड फेलोपियन ट्यूब और इसके ऊपर दो से तीन बार पी वाई क्यू आया है इस एग्जाम्पल के ऊपर ट इज ब्रॉन्ग क्यूर एंड फैलोपियन ट्यूर सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों तो ये वाला पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए एक पेज को करने में हमें इतना टाइम लग गया नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में कंपाउंड एपिथीलियम जो है स्टूडेंट्स वो दो टाइप का होता है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथीलियम जैसे कि मैंने आपको बताया था दो से तीन लेयर का बना हुआ है ठीक है तो दो से तीन लेयर का बना हुआ है तो इसे हम कंपाउंड एपिथीलियम बोलते हैं अब कंपाउंड एपिथीलियम दो टाइप का होता है स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर में अरेंज है विद बेसमेंट मैम्रिट ट्रांजिशनल मीन्स लेयर्स तो है लेकिन बेसमेंट मैमब्रिन नहीं है इसीलिए ये स्ट्रेचेबल होता है ठीक है और ये नॉन स्ट्रेचबल होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जो है स्टूडेंट्स ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है तो ये लाइनिंग बनाएगा जहां पे हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पर और ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है तो ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पे स्ट्रेचेबिलिटी पॉसिबल हो जैसे हमारे यूरिनरी ट्रैक में हमारे यूरिनरी ट्रैक में यूरिन जाता है फिर रिलीज uh, आउट हो जाता है तो बार बार स्ट्रेच stretch और स्ट्रेचिंग की इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है तो यूटीआई ट्रैक के अंदर हमें ट्रांजिशनल एपीथीलियम देखने को मिलता है देन स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम भी स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स का होता है वापस वही शेप के आधार पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमर्स अगर फ्लैट सेल्स है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्टेडिफाइड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सीक्रेटरी डग जैसे स्वेट ग्लैंड पैनक्रिया सेलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर बकोफेरेंजल कैविटी ऑफ फ्रॉक में मिलता है और स्ट्रेटिफाइड स्क्मस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को हम डिटेल में देखते हैं सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम किराटिन के आधार पे दो टाइप में डिवाइडेड होता है किराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम एंड नॉन किराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम फिर से दो टाइप का होता है किराटिन है या नहीं है उस आधार पर अगर है तो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्कोमस एपिथीलियम बोलेंगे और अगर केराटिन नहीं है तो उसे नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्कोमियम बोलेंगे इसको शॉर्ट में एनके एस एस भी बोलते हैं ठीक है दैट इज नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्मस एपीथिलियम अब आप खुद सोचो अगर किराटिनाइज है मतलब केराटिन प्रेजेंट है डेड लेयर प्रेजेंट है केराटिन एक डेड लेयर होती है तो वो कहाँ प्रेजेंट होगी हमारी स्किन पे क्योंकि स्किन को प्रोटेक्ट हमें हम नहीं चाहते कि एन्वायरमेंट में जो इतने सारे पैथोजन मौजूद हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो हमारी बॉडी में आसानी से एंटर करें तो क्रैटिन डेड करैटिन की लेयर हमारी स्किन पे मौजूद होती है इसीलिए हमारी स्किन पे आपको स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेडिफाइड स्क्वामोसैपीथीलियम देखने को मिलेगी वही स्टूडेंट्स नॉन स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेडिफाइड स्क्वामोसैपीथीलियम दैट इज एन हमारी ओपनिंग्स में हमें देखने को मिलेगी जैसे अगर आप मुंह ओपन करेंगे तो आ करते हैं आप तो जो आपको लाइनिंग दिखती है पिंक कलर की वो एनकेएसएस की बनी है ठीक है ओपनिंग जैसे एनाल ओपनिंग वेजाइना ओपनिंग ये सारी ओपनिंग्स पे आपको एनकेएसएस एपिथीलियम देखने को मिलेगी ईसोफेगस में बकल कैविटी में फैरिंग्स में वेजाइना में कॉर्निया ऑफ आई आई में अगर आप आई भी एक ओपनिंग है देखा जाए तो बॉडी की तो बॉडी जहां जहां पे भी ओपन कर रही है जहां भी बॉडी की ओपनिंग है वहां पे आपको एनकेएसएस देखने को मिलेगी और keratin की डेड लेयर मौजूद है तो वो आपको स्किन पे देखने को मिलेगी ठीक है क्लियर है एक बार और कंपाउंड एपीथिलियम रिवाइज करवाती हूँ उसका क्लासिफिकेशन शॉर्ट में कंपाउंड एपीथिलियम दो टाइप का होता है एक स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर में अरेंज्ड है और एक ट्रांजिशनल वो भी लेयर में अरेंज है लेकिन वहां पे बेसमेंट मैम्रेन नहीं होती है तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम स्ट्रेचेबल होता है और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नॉन स्ट्रेचेबल होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम में इलास्टिसिटी है इसलिए वो हमें हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलेगा ठीक है अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम पे वापस से शेप के आधार पर वो तीन प्रकार का होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम

स्ट्रक्चर किराटिन बनाता है हमारे नेल्स में किराटिन है हमारे हेयर्स में किराटिन है जितने भी डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किराटिन के बने होते हैं ठीक है तो किराटिनाइज एपिथीलियम आपको स्किन में देखने को मिलेगा और नॉन किराटिनाइज दैट इज एनकेएसएस आपको ओपनिंग्स में देखने को मिलेगा जैसे बकोफेरेंजियल कैविटी फेरिंग्स एनल वेजाइना जितनी भी कॉर्निया ऑफ आई ओपनिंग्स में आपको NKSS एस एस दैट इज नॉन क्रेटिनाइजर्टिफाइड स्क्वास एपिथिलियम देखने को मिलेगा तो ये था बच्चों कंपाउंड एपिथिलियम के बारे में मैंने आपको एपिथिलियम सिंपल एपीथिलियम एंड कंपाउंड एपीथिलियम विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन अच्छे से बता दिया है ठीक है अब कंपाउंड एपीथिलियम की थ्योरी समझते हैं कंपाउंड एपिथीलियम की थ्योरी पे आते हैं हम जो एनसीआरटी में गिवन है अब बीच में ग्लैंड बता दिया है ये ग्लैंड वाला पार्ट अपन बाद में डिस्कस करेंगे पहले कंपाउंड एपिथीलियम वाला पार्ट डिस्कस करते हैं कंपाउंड एपिथीलियम मोर देन वन लेयर का बना होता है कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर दैट इट इज मल्टीलेयर्ड ऑफ सेल्स दस हैज लिमिटेड रोल इन सीक्रीशन एंड एबजॉर्ब कंपाउंड एपीथिलियम जो है वो मल्टीलेयर्ड है देखिए आप किस प्रकार से वन टू थ्री फोर फोर टू फाइव लेयर बताइए यहां पर तो मल्टी लेयर होने के कारण इसका सीक्रीशन और एब्सॉर्बेशन में ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता है इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन में होता है सो so, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन में है अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस ये हमारी स्किन को कवर करता है तो स्किन को जो कवर करता है वो कौन सा है किरेटिनाइज एपिथिलियम रेटिनाइज स्क्वामस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम ठीक है मॉइस सर्फिस ऑफ बकल कैविटी फैरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डट आपको यहां पे मॉइस सर्फिस ऑफ बकल कैविटी और फैरिंग्स में क्या देखने को मिलेगा एनके एस एस दैट इज नॉन केइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम और अगर हम डक्ट पे आए इनर लाइनिंग ऑफ पे तो मैंने आपको बताया था देखिए डक्ट्स पे ग्लैंड और पैनक्रियास जैसे डक्ट्स पे आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथिलियम देखने को मिलेगा सो so, एन ने मिला के एग्जाम्पल दे दिए सबके लेकिन अगर आपको डिटेल नॉलेज है तो आप सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्लैंड और पैंक्रियाटिक स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का ठीक है तो सबसे पहले एनसीआरटी ने बोला है कि कंपाउंड एपिथीलियम का मतलब होता है दो से तीन लेयर में अरेंज होना कंपाउंड एपिथीलियम जैसे कि दो से तीन लेयर में अरेंज है तो उसका सीक्रीशन और एब्जॉर्बन में कम फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में ज्यादा फंक्शन होता है कंपाउंड एपिथीलियम की फिर एग्जाम्पल उसने धड़धड़ एक साथ दे दिए है पहले उसने बोला है फर्स्ट एग्जाम्पल देकर रखा है उसके अंदर कि स्किन तो स्किन आपको पता है जैसे कि स्क्वामस स्क्मसपीथीलियम का होता है फिर उसने एग्जाम्पल दिया है बको फैरेंशियल कैविटी एंड फैरिक्स जो कि किसका एग्जाम्पल है एनकेएसएस का नॉन करैटिनाइज स्ट्रेडिफाइड स्क्मस एपीथीलियम फिर एनसीआरटी में एग्जाम्पल गिवन है हमें सेलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक ड का जो कि स्ट्रेडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम का एग्जाम्पल है सो होप स्टूडेंट्स आपको कंपाउंड एपीथीलियम भी बिल्कुल क्लियर होगा अब आते हैं स्टूडेंट्स ग्लैंड पे सो so स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि एपिथिलियम जो होती है उसके इमेजिनेशन से देखो ये epithelium है यहम के इमेजिनेशन से ग्लैंड बन जाते हैं अगर वो सीक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ठीक है तो अगर हम देखें तो इसीलिए एपिथिलियम पार्ट में ही आपको ग्लैंड पढ़ने पड़ते हैं बिकॉज एपीथीलियम के इमेजिनेशन से ही ग्लैंड बनते हैं इफ़ द सेल्स ऑफ दीज आर सीक्रेटरी इन फंक्शन ठीक है तो अब हम अगर क्यूबॉइडल और कॉलम्बनर सेल सीक्रेटरी होते हैं फंक्शन में तो उसे हम ग्लैंडुलर एपीथिलियम बोलते हैं मैंने आपको क्यूबॉइडल और कॉलम्बनर सेल के तीन मॉडिफिकेशन बताए थे सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर्ड और ग्लैंडुलर तो सीलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अब आते हैं हम ग्लैंडुलर तो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम बनाते हैं अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल के सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऐसे एपिथीलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहते हैं अब ग्लैंड का क्लासिफिकेशन है तो चलिए ग्लैंड का क्लासिफिकेशन मैं आपको समझा देती हूं टेबुलर फॉर्म में फिर हम एनसीआरटी की थ्योरी पर आएंगे सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स एनसीआरटी के अंदर ये वाला क्लासिफिकेशन दिया है और ये वाला दिया है ये वाला नहीं दिया है ठीक है तो आप पहले ये और ये फर्स्ट और सेकेंड क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लो फिर थर्ड क्लासिफिकेशन हम लास्ट में देख लेंगे ठीक है सो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैथड ऑफ सीक्रीशन ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं एंडोक्राइन एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्यूलर ठीक है तो नंबर ऑफ सेल के आधार पे यूनिसेल्यूलर और मल्टी और सीक्रीशन के आधार पे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन और हेड्रोक्राइन सो स्टूडेंट्स सबसे पहले एनसीआरटी के ऑर्डर के हिसाब से चलते पहले नंबर के आधार पर समझा है तो हम भी नंबर के आधार पर देख लेते हैं अगर एक ही सेल पाया जाता है तो ऐसे ग्लैंड को हम यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलते हैं और अगर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं तो ऐसे ग्लैंड को हम मल्टी सेल्युलर ग्लैंड बोलते हैं अब एनसीआरटी का डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर तो जो डायग्राम मटके की तरह दिखे वो मल्टी सेलर सेल ग्लैंड का डायग्राम है तो देखिए आप मटके की तरह पॉट की तरह ये दिख रहा है तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है और अगर वो कुछ इस तरह दिखेगा तो यूनिसेलर ग्लैंड का डायग्राम है यूनिसेलर ग्लैंड का एनसीआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है सेल क्या एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलर ग्लैंड और मल्टी सेल्यर ग्लैंड का एग्जाम्पल दे रखा है ग्लैंड so, ठीक तो है तो ये एग्जाम्पल एनसीआरटी में गिवन है तो ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दे आर ऑफ टू टाइप्स यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर लर ग्लाइन का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल और मल्टी सेलोर का एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू अब उसके के बेसिस पे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन तो हम आते हैं एनसीआरटी पे और आपको पूरी थ्योरी बता देते हैं, ठीक है अब अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल सीक्रीशन का काम करते हैं तो ऐसे एपिथीलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथीलियम बोलते हैं ये दो टाइप के होते हैं यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल दैट इज गॉपलेट सेल एग्जाम्पल मल्टी सेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल अगर बहुत सारे सेल्स पाए जाते तो उन्हें हम मल्टी सेलर ग्लैंड कहते हैं एग्जाम्पल ग्लैंड अब सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं और ये डायग्राम है ये मल्टी सेलर का डायग्राम है ये यूनिसेलुलर का का एग्जाम्पल सेलाइवरी ग्लैंड एंड यूनिसेलर का एग्जाम्पल गॉब्लेट तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अब पोरिंग के बेसिस पे कि वो डक्ट के थ्रू पोर करता है कि अपना सीक्रीशन ब्लड में ही पोर कर देता है तो अगर वो डक्ट के थ्रू पोर करेगा तो ऐसे ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं ठीक है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं अगर डक्ट के थ्रू पोर करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड कब बोलेंगे जब डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देगा तो डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सीक्रेशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है देखो इसका भी अपन डिफरेंस बना सकते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन लैंड जो होता है दे पोर दे सीक्रीशन सी क्रीशन विथ डे आर डकलेस दे पोर सीक्रीशन डायरेक्टली इन ब्लड अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रीशन बहुत सारे होते हैं इनके सीक्रीशन को क्या बोला जाता है एंजाइम टीयर ऑयल म्यूकस एक्सेट्रा जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है ठीक है तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है

अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक नहीं होती है इनके प्रोडक्ट को हम हार्मोन कहते हैं और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में अपना सीक्रेशन एड ऑन कर देते हैं तो ये बच्चों ग्लैंड के बारे में हो गया सो so, होप आपको समझ आ गया होगा यहां तक क्लियर है सबको यहां तक कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लो आप अब हम आते हैं एपीथिलियल टिश्यू की एक और प्रॉपर्टी पे एपीथिलियल टिश्यू जो है स्टूडेंट्स उसके सेल्स आपस में जंक्शन से जुड़े होते हैं जैसे आपस में जो दो सेल है वो जंक्शन के आग, साथ एक दूसरे से जुड़े होंगे ठीक है तो चलिए जंक्शन पे आते हैं देखो बच्चों ये एपिथिलियल सेल्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के जंक्शन से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं देखिए आप ये है टाइट जंक्शन मतलब बिल्कुल कुछ भी इधर का सामान इधर नहीं जानेगा एकदम लीक प्रूफ जंक्शन जो होता है उसे टाइट जंक्शन कहते हैं एक होता है स्टूडेंट्स गैप जंक्शन गैप जंक्शन जो होता है वो ईजिली सबको ट्रांसफर होने देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को वाटर को और कभी कभी तो बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ये एनसीईआरटी में गिवन है इसे हम एधरिंग जंक्शन या डेस्मोजोम जंक्शन कहते हैं सॉरी इसे हम गैप जंक्शन कहते हैं अब आते हैं स्टूडेंट्स एधरिंग जंक्शन और डेस्मोजोम जंक्शन पे एधरिंग जंक्शन और डेस्मोजोम जंक्शन का सीमेंटिंग का, का काम होता है मतलब दो सेल के बीच में सिमेंटिंग का काम एधरिंग जंक्शन का या डेस्मोजोम जंक्शन का होता है सो so, स्टूडेंट्स अब हम जंक्शन पर आते हैं बच्चों टिश्यू स्पेशंशन आर जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल सेल तो दो सेल के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक की लेन देन हो सके सेल के बीच में वो इन जंक्शन के द्वारा होता है एंड जंक्शन भी क्योंकि एपिथिलियल टिश्यू में ही पाए जाते हैं इसीलिए जंक्शन भी हम एपिथिलियम में ही पढ़ रहे हैं अब बच्चों डिफरेंट टाइप्स के जंक्शन एनसीआरटी में गिवेन है और इन जंक्शन के ऊपर पीवाई भी पूछे जा चुके हैं ठीक है तो ये जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आते स्टूडेंट हम टाइट जंक्शन पे टाइट जंक्शन मतलब बिल्कुल भी इधर से उधर किसी को भी नहीं जाने देगा लीक प्रूफ जंक्शन जो होता है वो टाइट जंक्शन होता है सो इट हेल्प टू स्टॉप सब इट हेल्प टू स्टॉप सब फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू मतलब किसी को भी इधर उधर नहीं जाने देगा उसका नाम ही है टाइट जंक्शन मीन्स वो लीक प्रूफ जंक्शन है ठीक है तो दो सेल में बिल्कुल भी लेन देन नहीं होने देगा इस टाइप के जंक्शन को हम टाइट जंक्शन कहेंगे नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम एधरिंग जंक्शन पर या डेस्मोजोम जंक्शन पर एधरिंग जंक्शन और डेस्मोजोम जंक्शन सिमेंटिंग का काम करता है दो सेल के बीच में को पकड़ के रखता है सिमेंट करके रखता है तो सिमेंटिंग का काम करेगा हमारा एधरिंग जंक्शन या डेस्मोजोम जंक्शन इट परफॉर्म्स सिमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टूगेदर तो आपको याद रखना है सीमेंटिंग का काम करता है ये मेनली नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स गैप जंक्शन पे गैप जंक्शन वर्ड ही बता रहा है कि दो सेल के बीच में बड़ा सा गैप है मतलब ये सब्सटेंस का लेन देन आसानी से होने देगा फैसिलेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाजम ऑफ एडजस्टेंट सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयर्न स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समाइम बिग मॉलिक्यूल इस लाइन के ऊपर पी बाई क्यू आया था ठीक है कि गैप जंक्शन के लिए कौन सी लाइन सही है तो ये वाली लाइन के ऊपर पीवाई क्यू आया था एक बार और बच्चों में आपको बताती हूँ तीन टाइप के जंक्शन एनसीआरटी में गिवन है सबसे पहला है टाइट जंक्शन जो कि लीक प्रूफ होता है इसका फंक्शन क्या है लीकिंग नहीं होने देता लीक प्रूफ है सेकेंड टाइप का जंक्शन है एनसीआरटी में एदरिंग जंक्शन एदरिंग जंक्शन जो है वो दो सेल के बीच में सीमेंटिंग का काम करता है ठीक है और थर्ड टाइप का जंक्शन होता है स्टूडेंट्स गैप जंक्शन तो ये ट्रांसपोर्ट का हे, में हेल्प करता है मतलब लेन देन आसानी से होने देता है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स टू तो ये तीन टाइप के जंक्शन और उनके फंक्शंस पे पी वाई क्यू पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं सो स्टूडेंट्स एपिथीलियल टिश्यू काफ़ी ज़्यादा हैवी टॉपिक है इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा फिर बच्चों हमने एग्जाम्पल्स याद करे फिर उसके बाद में बच्चों हमने ग्लैंड भी इसी के अंदर कवर करे ग्लैंड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा फिर हमने जंक्शंस का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा तो इसके साथ बच्चों एपिथीलियल टिश्यू हमारा फिनिश होता है नेक्स्ट कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स जो बाकी के टिश्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा बड़ा है बाकी नर्वस एंड मास्क्यूलर टिश्यू ऑलरेडी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके साथ कवर हो गया है तो इस चैप्टर में बस एक एक पैराग्राफ है उनके बारे में तो कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू और कॉकरोच डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट्स होप आप आपिथील टिश्यू अच्छे से समझ पाए होंगे मेरे साथ आपने आपके टिश्यू एंजॉय करा होगा और साथ ही साथ पीवाई क्यूज भी मार्क कर लिए होंगे जिनपे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू